नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं, वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। टाइम्स ऑन भारत के साथ आप हैं, मेरा नाम है अंकित त्यागी। और खबरों की शुरुआत आज करेंगे जो दिल्ली के अंदर आज कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा प्रदर्शन दिखाई पड़ा। प्रदर्शन क्यों दिखाई पड़ा? क्योंकि राहुल गांधी को आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ के लिए बुलाया था। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देता हूँ। नेशनल हेरल्ड केस में राहुल गांधी के साथ लगातार पिछले कई घंटों से पूछताछ चल रही है। ईडी के अधिकारियों ने उन्हें बीच में लंच का वक्त जरूर दिया था। लंच के एक घंटे के विश्राम लेने के बाद राहुल गांधी वापस ईडी ऑफिस पहुंच गए। वो अपनी मां से मिलने सर गंगाराम हॉस्पिटल गए थे। हालांकि लंच का जो वक्त था वो खत्म हुआ तो वो फिर पूछताछ के लिए वापस आ गए। आज सुबह राहुल गांधी से पूछताछ शुरू हुई नेशनल हेरल्ड वाले पूरे मामले में। उस वक्त दिल्ली से लेकर देश के कई राज्यों में वापस जिस तरीके से ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि कई राज्यों में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। सबसे पहले ये 5 तस्वीरें देख लीजिए, दिल्ली की हैं। पटना, रांची, जम्मू, जयपुर और गुवाहाटी, इन सभी राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और इस पूछताछ के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आज दिन भर ये पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहा। कांग्रेस पार्टी के दर्जनों नेता और कार्यकर्ता दिल्ली में हिरासत में भी लिए गए। फिर आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर चला वो अभी तक जारी है। सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। राहुल गांधी ईडी के दफ्तर की ओर बढ़ रहे थे, उनके प्रदर्शनकारी से साथी हैं नेता, वो पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। जिस तरह की आज पुलिस की भी व्यवस्था थी वो ऐसा लग रहा था कि मानिए कि पूरा आक्रमण ईडी के ऑफिस पे होने वाला हो। मतलब कांग्रेस पार्टी एक पुरानी पार्टी है और शायद प्रदर्शन करने का हक अधिकार उनके पास भी है, लेकिन जो आप आपको रिपोर्ट दिखाएंगे वो आपको बताएगी कि आज किस तरीके से पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह शब्द का बार बार इस्तेमाल किया। वही कांग्रेस ऐसे वक्त में, लोग ये सवाल जरूर उठा रहे हैं कि जब इतने बड़े बड़े मुद्दे और बार बार बात होती है कि सरकार के खिलाफ एक व्यापक विपक्ष नहीं है जो लोगों के मुद्दे उठाए, तब कांग्रेस पार्टी अगर सड़कों पर नहीं दिखती तो आज का प्रदर्शन, और बिल्कुल करना चाहिए उनके नेता के ऊपर, अगर उनको लगता है कोई ज्यादती हो रही है, प्रदर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी को एतराज है। लेकिन दिक्कत इस बात से है कि ये ऑपोजिशन तभी क्यों जागती है, कांग्रेस तभी क्यों जागती है जब उनके नेताओं के ऊपर कोई आंच आती है। जनता के मुद्दे उठाने के लिए इतनी उत्सुकता क्यों दिखाई नहीं देती? राहुल गांधी ईडी के सामने पेशी के लिए निकले तो कांग्रेस का दर्जनों नेता साथ देने के नाम पर कतार लगाकर खड़े हो गए। राहुल के घर से लेकर ईडी के दफ्तर तक, फिर दिग्विजय सिंह कैमरे के सामने आए, पूछने लगे, बताइए जरा हाजिरी कहाँ लगा? आए हैं कि क्या आप कुछ भाई, हाजिरी कहाँ लिखाना है? हाजिरी अंदर है। आप कुछ कहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे? पता नहीं ये बात सिर्फ दिग्विजय सिंह के मन की बात थी या फिर जितने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी का साथ देने आए थे उन सब के मन की बात। बात चाहे जो हो, लेकिन दिल्ली पुलिस ने तो कईयों की हाजिरी भी नहीं लगने दी, पहले ही हिरासत में ले लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर छत्तीसगढ़ वाले भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत, पार्टी के नए नवेले नेता कन्हैया कुमार, सबके सब हिरासत में ले लिए गए। फिर रणदीप सुरजेवाला को भी हिरासत में लिया गया, लेकिन उससे पहले उन्होंने मीडिया से बात की। कल रात से हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। हम सबको कारावास भेजिए ना, आजीवन कारावास भेजिए। हम गोडसे के वंशजों की तरह माफी नहीं मांगेंगे। गांधी जी ने भी जेल काटी, गोडसे के वंशज महात्मा गांधी को हरा नहीं पाए, उनके उत्तराधिकारियों को कैसे हरा पाएंगे? बाद में एक और तस्वीर आई जिसमें खुद प्रियंका गांधी तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में उन नेताओं से मुलाकात कर रही हैं जिन्हें पुलिस ने डिटेन किया। राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी को कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बना लिया। बात सिर्फ दिल्ली तक नहीं रही, कार्यकर्ता प्रदर्शन के नाम पर कई राज्यों में बैनर पोस्टर लेकर सड़क पर उतर गए। हालात ये हुए कि बेंगलुरु में एम्बुलेंस जाम में फंस गई, जिसके बाद कई तरह के सवाल हुए। कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपने प्रदर्शन के दौरान बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करते रहे, सत्याग्रह।
मतलब सत्य के लिए आग्रह, इसका इस्तेमाल सबसे पहले बापू ने किया था और अब गांधी परिवार ने इसका इस्तेमाल उस वक्त में किया है जब पार्टी के बड़े नेताओं के दामन पर खुद भ्रष्टाचार के दाग लगे। पिछले कई महीनों में कई मौके आए जब कांग्रेस पार्टी के इन्हीं नेताओं को सड़क पर होना चाहिए था, लेकिन कहीं कोई नजर नहीं आए। और अब जब सिर्फ राहुल गांधी को पूछताछ के लिए ईडी ने बुला लिया तो फिर कांग्रेस पार्टी सड़क पर खड़ी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। सीधे आपको ले चलता हूं, मेरे सहयोगी भवतोष सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं। पिछले कई सालों से इंटेलिजेंस एजेंसीज, दिल्ली पुलिस, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कवर करते हैं। हमारी सहयोगी रंजीता भी इस वक्त जुड़ रही हैं। कांग्रेस में क्या हलचल है उसके बारे में बात करेंगे, पर पहले भवतोष के पास चलते हैं। भवतोष, ये जो पूरा मामला है, कांग्रेस बार बार कह रही है कि देखिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है सरकार, इतने दिनों से सोए हुए थे, आज जागे हैं, लंबी पूछताछ चल रही है, राहुल गांधी के सामने क्या क्या पूछा जा रहा है और किस तरह की परेशानी में है इस वक्त राहुल गांधी? अंकित, देखिए हम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हेडक्वार्टर्स, जो नया हेडक्वार्टर्स है, उसके बाहर खड़े हैं और करीब 5 से 6 घंटे हो चुके हैं जब से राहुल गांधी का बयान दर्ज कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में सेक्शन 50 पीएमएलए के अंदर बयान दर्ज किया जाता है जिसमें राहुल गांधी को अपना बयान खुद लिखना पड़ता है। तो ये सोच लीजिए काफ़ी लंबे समय तक उनका बयान दर्ज किया जाएगा और कई बार उनको समन दे के बुलाया जाएगा। 23 जून को सोनिया गांधी को बुलाया गया है उनका बयान दर्ज करने के लिए, लेकिन इस समय वो गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये पूरा का पूरा मामला काफ़ी पुराना है जिसपे पहले मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस का बयान दर्ज हो चुका है और अब पिछले करीब 1 महीने पहले पवन बंसल और मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान दर्ज हुआ है। तो ये नहीं कह सकते कि एकदम सडनली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले को सडनली इन्वेस्टिगेशन लिया है। ये मामला काफ़ी दिनों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रोब कर रहा है, करीब 7 से 8 साल इस पूरे मामले को हो चुके हैं। गांधी परिवार खुद भी करीब 2015 से इस मामले को लेके हाई कोर्ट जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, इनकम टैक्स एपलेट ट्राइब्यूनल जा चुका है, लेकिन उनको रिलीफ कहीं से नहीं मिली है। ये बात हम जरूर बोल सकते हैं कि वो लोगों को नोटिस जून 1 के आसपास बोला था कि राहुल गांधी को जून 2 को आके अपना बयान दर्ज करना है, लेकिन राहुल गांधी विदेश में थे इसलिए उनको नई डेट जून 13 को दी गई थी और सोनिया गांधी को नई डेट जून 23 को दी गई है। शुक्रिया भवतोष हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। रंजीता, आप बनी रहिए हमारे साथ क्योंकि राजनीति इस वक्त क्या हो रही है उस पर भी आपसे बात करने के लिए आऊंगा, पर उससे पहले आपको बताते हैं कि आज पूरा दिन कैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा। राहुल गांधी से पूछताछ के दौरान बीजेपी ने एक बड़ा आरोप लगाया और कहा कि आज पूरे गांधी परिवार का भ्रष्टाचार लोगों के सामने आ गया है, जबकि पूरी कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के समर्थन में है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। अभी तक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनकी पॉलिटिकल अपोनेंट है, तो आरोप लगते ही उनको लगता है कि ये सिद्ध हो जाते हैं, पर ये कोर्ट में अभी सिद्ध होने बाकी हैं। गांधी परिवार को भी कोर्ट से ज्यादा जनता की अदालत में लोग क्या समझ रहे हैं उस पर शायद इस वक्त उनकी सबसे बड़ी परेशानी वही बनी हुई है। कैसी आज राजनीति रही इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ राहुल गांधी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे, दूसरी तरफ बीजेपी ने गांधी परिवार पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सामने आए, उन्होंने कांग्रेस से सवाल पूछे, घेरने की कोशिश की। आपको राहुल गांधी अगर मिले तो उनसे पूछिएगा कि उनका संबंध डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के साथ क्या है। डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड हवाला एंट्री ऑपरेटर कोलकाता से संबंधित है जो कैश के बदले चेक दे। राहुल गांधी के समर्थन में उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी स्मृति ने घेरने की कोशिश की। कहा गया कि ये तो ईडी पर दबाव बनाने की कोशिश है। फिर स्मृति ने कहा कि ये लोकतंत्र को बचाने की कोशिश नहीं, ये कोशिश है गांधी परिवार की 2000 करोड़ की संपत्ति बचाने की। गांधी परिवार को इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए कि जांच एजेंसियों पर दबाव क्यों बनाया जा रहा है, एक अखबार की कंपनी रियल एस्टेट बिजनेस में क्यों इंटरेस्ट ले रही है। कांग्रेस का जवाब आया, कहा गया कि नेशनल हेराल्ड को स्वतंत्रता सेनानियों ने बनाया,
नेशनल हेरल्ड अखबार, जिसके सहारे मोदी जी आप कांग्रेस के नेतृत्व को झुकाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, ये उसी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की साल 1937 में स्थापित पहचान है और आवाज भी। जब आज के हुक्मरान, जब दिल्ली के सिंहासन पर आज बैठे हुक्मरान अंग्रेज की मुखबरी कर रहे थे, तब कांग्रेस के लोग इस देश को, इस देश की मिट्टी को अपने खून और पसीने से सींच रहे थे। उन स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज है नेशनल हेराल्ड, इसे दबाया नहीं जा सकता। एक तरफ राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी का सियासी द्वंद्व, ये तय है कि इसी बहाने दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर अभी निशाना साधती रहेंगी और ये सियासी खेल अभी रुकेगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को बड़े दिनों बाद कोई ऐसा मुद्दा मिला है जिसे लेकर पार्टी को लग रहा है कि आने वाले दिनों में पार्टी को फायदा मिल जाए। फायदा नुकसान तो जनता तय करेगी, पर रंजीता के पास चलते हैं। रंजीता, खबर क्या है? राहुल गांधी क्या वापस यहां पर कांग्रेस ऑफिस आने वाले हैं? एक बार फिर से यहां पर किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी अपना कम से कम शक्ति प्रदर्शन करेगी, जिस तरीके से आज सारे दिन देखने को मिला? बिल्कुल अंकित, देखिए जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही है, जिस तरह से आज पूरा दिन रहा एक राजनीतिक ड्रामा, हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिखाने की कोशिश की गई। कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार कांग्रेस मुख्यालय पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अकबर रोड के आसपास तमाम जगहों पर धारा 144 लगा दी गई पुलिस की तरफ से, मुख्यमंत्रियों को हिरासत में लिया गया। मुख्यमंत्रियों का साफ तौर पर कहना था, अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो देश में जो माहौल है उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, लेकिन राहुल गांधी पर निशाना इसलिए साध रहे हैं क्योंकि वो आम जनता की बात करती है। खबर अब ये निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी जब ईडी दफ्तर में उनकी पूछताछ खत्म हो जाएगी, क्योंकि दूसरे चरण में अब उनसे बातचीत हो रही है, ब्रेक के बाद जो लंच ब्रेक उनको दिया गया था उसके बाद दूसरी बार वो ईडी दफ्तर पहुंचे हैं और अब उनसे सवाल किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो खत्म होने के बाद राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे और यहां नेताओं और कार्यकर्ताओं को आने के लिए कहा गया है, ताकि आज जो पूरे दिन कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एक अपने लीडरशिप के लिए जिस तरह से फाइट किया है उसके उस पर राहुल गांधी धन्यवाद देंगे, इस तरह की खबर निकल रही है। तो राहुल गांधी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा जरूर करेंगे, लेकिन एक बात बड़ी ये भी है, शुक्रिया रंजीता हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये देख रहे हैं आप, एक चक्रव्यूह चल रहा होगा ये साथ में, मुद्दे बहुत सारे हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी लगातार इन पर बात जरूर करती है। राहुल गांधी के ट्वीट अक्सर बेरोजगारी पर, जिस तरीके से युवाओं के लिए रोजगार के जो नए ऑप्शंस हैं वो नहीं आ पा रहे, उसके ऊपर वो ट्वीट जरूर करते हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अधिकतर होती रहती है। पर क्या आपको याद है कि इतना जबरदस्त जितना आज प्रदर्शन हुआ था, जिसमें सारे मुख्यमंत्री हों, सारे एमपी हों, कार्यकर्ता हों, सड़क पर उतरे हों, कांग्रेस पार्टी ने आखिरी बार कब किया था? कांग्रेस पार्टी के समर्थक कहेंगे कि देखिए आज भी उनको निशाना बनाया जा रहा, लेकिन सिर्फ कोशिश ये की जा रही है देश के अंदर विपक्ष की जितनी महत्वपूर्ण भूमिका है ये समझने की कि क्या कांग्रेस पार्टी तभी जागेगी जब उनके नेताओं पर आंच आएगी, जनता पर जब आंच आती है तो क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं बनती ही इतनी ही ताकत से उनके मुद्दों को जमीन पर उठाने की। स्मृति ईरानी ने अभी आप जो सुन रहे थे उसमें एक कंपनी का नाम उन्होंने लिया था, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड, उस पर हमारे संवाददाता गए समझने के लिए, क्योंकि हम यहां पर अदालत खोल के तो बैठे नहीं हैं, ये सब अभी अदालत में प्रूव होना है कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी में किसी ने कुछ करा है या नहीं करा है। हम अभी तक कम से कम सिर्फ यही कोशिश कर रहे हैं कि जो कहा जा रहा है, जो जनता के सामने रखा जा रहा है, उसकी सच्चाई पता की जाए। नेशनल हेराल्ड केस में ये मुद्दा बार बार सामने आया, यंग इंडियंस कंपनी जो राहुल गांधी सोनिया गांधी की कंपनी है, वो जो जब अक्वायर किया था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को, उनको 1 करोड़ का लोन दिया गया था और ये लोन तब उनको मिला जब उनकी कंपनी की उम्र 1 महीना है और उनकी खुद की पूंजी 5 लाख भी नहीं है। और वो लोन किससे मिला था? वो लोन मिला था एक कंपनी जिसका नाम है डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी का एड्रेस है कलकत्ता में और उस कंपनी का डायरेक्टर्स है हेमंत गोयनका, सुनील भंडारी। रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है? आकाशदीप 5 लोअर ऑर्डन स्ट्रीट, फ्लैट नंबर 3, 4th फ्लोर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 70020। ये वही बिल्डिंग है, ये आकाशदीप बिल्डिंग है, यही 5 लोअर ऑर्डन स्ट्रीट है
और इसी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर एक अपार्टमेंट है जो रजिस्टर्ड है डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। जब हम इस कॉम्प्लेक्स में पहुंचे, जब सिक्योरिटी को पूछा कि हेमंत गोयनका बोल के किसी को आप जानते हो, डोटेक्स बोल के किसी को जानते हो, उन्होंने कहा हाँ एक गेस्ट हाउस है, ऑफिस नहीं। हम अंदर गए खुद का नाम दाखिल करने के बाद, और अंदर जाने के बाद जो सेकेंड ब्लॉक है, फोर्थ फ्लोर में जाने के बाद जब डोर बेल हमने बजाया, दरवाजा खुला, दरवाजे के बगल में लिखा हुआ था डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड, और बहुत और भी सारी कंपनीज का नाम उस जगह पे मेंशन थे। दरवाजा खुला, केयरटेकर ने कहा कि ये ऑफिस नहीं है, ये यहाँ हेमंत गोयनका जी कभी कभार आते हैं, कभी कभार ऑफिस की तरह इस्तेमाल होते हैं, लेकिन लगभग ये गेस्ट हाउस है, अंदर एक पेशेंट भी था, और जब दरवाजा खुला आपको कहीं से वो ऑफिस की तरह नहीं दिखेगा, आपको सोफा सेट दिखा जो ड्राइंग रूम में रहता है, एक टीवी का कंसोल दिखा बगल में। तो अब ये ईडी को जांच करनी है कि किस तरीके से ये जो पूरे आरोप लग रहे हैं इनमें सच्चाई क्या है। आगे बढ़ते हैं और रांची का रुख करते हैं, जहां शुक्रवार को हुई हिंसा के निशान अभी तक शहर के चौक चौराहों पर दिखाई पड़ रहे हैं, गली मोहल्लों में अभी तक किसी की बात हो रही है, हालात अभी भी नाजुक बने हुए हैं, डर है कि कहीं एक और चिंगारी फिर से हिंसा को हवा न दे दे, क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि एक खास समुदाय ने के लोगों ने रांची के कई मंदिरों को जानबूझकर निशाना बनाया। ये रिपोर्ट देखिए। संकट मोचन मंदिर, मेन रोड रांची, महावीर मंदिर, हिंद पीढ़ी गली रांची, सूर्य मंदिर, बड़ा तालाब रांची, ये उन मंदिरों की लिस्ट है जिन्हें शुक्रवार को उपद्रवियों ने निशाना बना। दंगे की चपेट में रांची में एक नहीं बल्कि तीन मंदिर आए थे। रांची पुलिस के एफआईआर में दंगे के दौरान सिर्फ एक मंदिर पर हमले का जिक्र किया गया, लेकिन टाइम्स नाउ ने भारत ने जब रांची में दंगे का सच जानने के लिए शहर के गली मोहल्लों का रुख किया तो सच सामने आया। टाइम्स नाउ नव भारत रिपोर्टर हिमांशु दीक्षित और ऐश्वर्य जैन ने जब इन मंदिरों का दौरा किया तो सच सामने आ गया। सबसे पहले आपको उस मंदिर की तस्वीरें दिखाते हैं जिसे उपद्रवियों ने सबसे पहले निशाना बनाया। तस्वीरों में देखिए, सामने संकट मोचन मंदिर और वहीं उपद्रवी पत्थर बरसा रहे हैं, सड़क पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। ईंट के टुकड़े पड़े हैं। देखिए हिंसा के बाद इस मंदिर के बाहर मंजर क्या था। ये आपकी टीन शेड देखेंगे तो इस टीन शेड के ऊपर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर पत्थर बरसे हुए हैं, पत्थरों का जमावड़ा लगा हुआ है। थोड़ा सा और आगे यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो ऊपर का बोर्ड है, वो बोर्ड भी यहाँ पर टूटा हुआ है। इसके साथ ही ये खिड़की आप देखेंगे तो ये शीशे भी यहाँ पर पूरी तरह से टूटे हुए हैं, और इसके ऊपर सब जगह आप देखेंगे तो यहाँ पथराव किया गया है। बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर आप देखेंगे, बड़े बड़े पत्थर, छोटे मोटे पत्थरों की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। पुलिस की एफआईआर में सिर्फ इसी मंदिर पर हमले का जिक्र है, लेकिन इस मंदिर से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित महावीर मंदिर को भी हिंसा फैलाने वालों ने निशाना बना दिया। सबसे पहले आप शुक्रवार का ये सीसीटीवी फुटेज देखिए जब इस मंदिर पर पहला हमला किया गया। शाम 4:15 बजे थे, उपद्रवियों ने इस गली पर हमला बोला, जमकर पत्थरबाजी की, आसपास के घरों को निशाना बनाया और इसी दौरान मंदिर पर भी पथराव किया। हर घर में, मंदिर चाहे हर घर में, यहाँ पे इस लेन में जितने भी हिंदू घर में सब में जोरदार पत्थर चले हैं, गाली गलौज हुई है, सब हुए हुए पड़े हैं। तो हमने प्रशासन से कहा कि आक्रोशित है, लोग डर पे तो है लेकिन आक्रोशित भी है, क्योंकि मंदिर से हम लोग खिलवाड़ नहीं करते हैं ना। ठीक है, आपने विरोध करना था, आपने जो करना था, मेन रोड से प्रशासन से आपकी लड़ाई थी, या आपने जो भी डेलिबरेटली जो भी आपने सोचा था, पर ये मंदिर का क्या सेंस बनता है। शुक्रवार को इस मंदिर पर ये पहला हमला, लेकिन आखिरी नहीं, हमलावर रात में फिर आए। ये महावीर मंदिर है, ये हिंद पीढ़ी में मौजूद है, और यहाँ पर भी दो बार अटैक किया गया। जब
हिंसा भड़की दोपहर के वक्त, तब यहां पर हमला किया गया और रात के लगभग 3:15 बजे यानी 10 जून और 11 जून के बीच में 3:15 बजे यहां पर पेट्रोल बॉम्ब से इस मंदिर पर हमला किया गया। भगवान की मूर्ति को भी क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई और इसी को लेकर अब FIR भी दर्ज की गई है। रात के वक्त कैसे इस मंदिर को निशाना बनाया गया उसका CCTV फुटेज भी सामने आया है। शुक्रवार को शाम में हिंसा भड़काने के बाद रात करीब 3 बजे बाइक पर सवार होकर 3 लोग मंदिर के पास आए। 2 लोग बाइक से नीचे उतरे। पहले एक शख्स ने मंदिर में पेट्रोल बम फेंका। और इसके बाद दूसरे शख्स ने भी मंदिर पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। इन 2 मंदिरों के अलावा हिंसा की आग भड़काने वाले लोगों ने बड़ा तालाब के पास के सूर्य मंदिर को भी निशाना बनाया। मंदिर के अंदर की ये तस्वीरें देखिए, अंदर पेट्रोल बम की खाली शीशियां पड़ी। ये सबूत है कि कैसे मंदिरों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। मंदिरों में हिंसा के निशान अभी भी ताजा है। और ये सूर्य मंदिर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये बड़ा तालाब के पास है। इस मंदिर पर भी हमला किया गया। साफ तौर पर हमारे पास जो CCTV फुटेजेस हैं वो मौजूद हैं और इसके अलावा किस तरीके से हम आपको अंदर चलकर दिखाएंगे कि जो पेट्रोल बॉम्ब फेंके गए थे वो किस तरीके से यहाँ पर मौजूद थे और आग लगाने की कोशिश इस पूरे के पूरे मंदिर पर की गई थी। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से जो मंदिर है संकट सूर्य मंदिर, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं साफ तौर पर आपको यहाँ पर निशान दिखेंगे। जब पेट्रोल बॉम्ब फेंके गए थे तो आग यहाँ पर लगाई गई, इसके अलावा दूसरी जगह पर भी, और जो पेट्रोल बॉम्ब थे वो बॉटल्स में पेट्रोल डालकर वहाँ पर भरने की कोशिश की गई और यहाँ पर फेंका गया। मंदिरों पर हुए ये हमले इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उपद्रवी हिंसा की आग को और बढ़ाना चाह रहे थे। मंदिरों पर हमला किसी बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा लग रहा है। रांची में बड़ी सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोई बड़ी साजिश लग रही है। हिमांशु दीक्षित के साथ ऐश्वर्य जैन, रांची, टाइम्स नाउ, नवभारत। जिन्होंने जो भी गलत किया हो, कानून के मुताबिक जो भी सजा उन्हें मिलती हो, कम से कम उन्हें कोर्ट जो भी इनकी सजा मुकर्रर करे उन्हें सख्त से सख्त सजा जरूर मिलनी चाहिए। पर इसका मौका उठाकर एक नई आग लगाने की कोशिश करने वालों को भी कानून के तहत सख्त से सख्त चेतावनी जरूर देनी चाहिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लोकतंत्र में बहुत कुछ अभी और भी है, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका। पश्चिम बंगाल के नादिया लिए चलते हैं आपको, जहां पर बीती रात हिंसा भड़की। गुस्साई भीड़ ने पहले मार्केट में हमला किया, हालात ऐसे हो गए कि मेडिकल सेंटर को भी नहीं बख्शा गया और जब पुलिस ने खदेड़ा तो भीड़ ने एक रेलवे स्टेशन में दाखिल होकर तांडव मचा दिया। कैसे हुई हिंसा, क्यों हुई हिंसा और अगले दिन का क्या माहौल है, इस रिपोर्ट में देखिए। इस समय हम नदिया डिस्ट्रिक्ट के बथुआ दहारी एरिया में खड़े हैं, जहां पे कल रात को वायलेंस की घटना सामने आई है। ये ATM है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ATM को डैमेज किया गया है और लगातार पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में ये वायलेंस की घटना सामने आ रही है। और वायलेंस की घटना जो है ये हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था, ये पूर्व नदिया डिस्ट्रिक्ट में आया है और उसके बाद मुर्शिदाबाद में भी कहीं ना कहीं ये घटना, वायलेंस की घटना सामने आई है। सड़क है वहाँ पर पत्थर बिखरे हुए हैं और किस तरीके से पत्थरबाजी यहाँ पे हुई है और यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी हो उसको भी पूरी तरीके से डैमेज कर दिया गया है। साथ ही बिल्डिंग के ऊपर भी पथराव किए गए हैं, जिस बिल्डिंग में लोगों की होने की भी संभावना थी, तो कुछ लोगों को भी चोट लगी है इस पत्थरबाजी के कारण। मैं आपको नज़ारा दिखा दूँ, ये आप देख सकते हैं कि ग्लास के विंडोज़ हैं, इनके ऊपर किस तरीके से पत्थरबाजी की गई है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है।
टाइम्स नाउ नवभारत के लिए संविधान सर्वोपरि है। हमारे लिए इंसान और मजहब बराबर है। संविधान की प्रस्तावना के मुताबिक हम उपासना की स्वतंत्रता में अटूट विश्वास रखते हैं। हमारे कार्यक्रम में व्यक्तियों के व्यक्त विचार निजी हैं। मेहमानों की राय चैनल या ब्रॉडकास्टर के विचारों की नुमाइंदगी नहीं करती है। अभिव्यक्ति की आजादी की तरह हम आस्था का भी पूरा सम्मान करते हैं। ऐसे में कार्यक्रम में शामिल बयानों का मकसद किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, समुदाय, धर्म या संगठन को बदनाम या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। चैनल या प्रसारणकर्ता किसी भी रूप में इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अब बात करते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट की। शुक्रवार को देशभर में मचे उपद्रव की इनसाइड स्टोरी। तमाम राज्यों की पुलिस जो हिंसा हुई उस पर अब एक्शन ले रही है। बावजूद उसके काफ़ी सारे भड़काऊ बयान अभी भी दिए जा रहे हैं। आज एक बार फिर मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रज़ा ने भड़काऊ बयान दिया। इससे पहले मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सोहेब काजमी ने बाकायदा ओवैसी और मदनी जैसे नेताओं के नाम लेकर उन पर उपद्रव को उकसाने का आरोप लगाया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद क्या वाकई हिंसा जानबूझकर भड़काई गई। आग जनी हुई। गोली चली। पत्थर बरसे। सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कब्र में लगा। और तो और, सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई। ताज से बाहर निकल गए तो फिर वो नुपुर शर्मा क्या, वो आशीष कोहली क्या, वो नुपुर शर्मा क्या, उनके सर कहीं और धड़ कहीं मिलेंगे। ये कैसा मंजर, दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र की ये कैसी बदनामा तस्वीर, जहां संविधान सर्वोपरि है, जहां हर इंसान और मजहब बराबर है, वहां बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा के आपत्तिजनक बयान के दो हफ्ते बाद शहर शहर ऐसा भीड़ तंत्र क्यों, सरेआम सर काटने की गैर कानूनी धमकी के। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए जो अजान के खिलाफ बोले उनका गला पकड़े, अगर जो पर्दे के खिलाफ बोले उनका गला पकड़े। ये गला नहीं पकड़ सकते तो हम गला काटने के लिए तैयार हैं। हम गला काटने के लिए तैयार हैं। और इनको मैं बताना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा कम दर्जे का मुसलमान इतना इमाम रखता है दुनिया के किसी भी ब्रिगेडियर, किसी भी ताकत गुस्ता के नबी का सर कलम कर सकते। बीते जुमे की नमाज के बाद देश के कई प्रदेशों में जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया, आगजनी की, पथराव किया, उन पर अब एक्शन भी जारी है। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन ये किसी को भी किसी सूरत में नहीं भूलना चाहिए कि कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई बिना भेदभाव के होती है। फिर वो चाहे आस्था को अपमानित करने की गुस्ताखी हो या फिर विरोध में कानून का माहौल उड़ाने वाली भीड़। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की गलत बयानी के दो हफ्ते बाद भड़की हिंसा की आग क्या वाकई सोची समझी साजिश का नतीजा थी? इसके लिए क्या वाकई वो भड़काऊ तकरीरें जिम्मेदार हैं जो हाल ही के दिनों में चंद नेताओं की तरफ से दी गई? उन आकाओं ने जो भारत की दुनिया में बढ़ती हुई छवि, संबंध और हमारी सरकार के अरब देशों से और इस्लामिक देशों से ताल्लुकात पर जल भी रहे हैं और गमजदा भी है, अपने एजेंडे के तहत भारत के अंदर जगह जगह दंगे करवाए, उन दंगों को लीड करने के लिए जो तंजीमें उनको भड़का रही थी, मदनी जैसे लोग जो कह रहे थे कि हिंदू से देश छोड़ के चले जाओ, मदनी जैसे लोग जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, ओवैसी जैसे लोग जो सर पे सफेद कपड़ा बांध के घूम रहे थे, वो कानपुर के इमाम जो कह रहे थे कफन बांध के हम निकलेंगे और कफन बांध के हम जो है देश की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम गर्दनें काट देंगे और रसूल के गुस्ताखी एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा,
वो सारे के सारे गायब हो गए और 20-20 साल के बच्चों को सड़कों में छोड़ दिया इन्होंने, सरकार से लड़ने के लिए, पुलिस से लड़ने के लिए और सिस्टम से लड़ने के लिए। ये जमात उलमाए हिंद के चेयरमैन मौलाना सुहैब काश्मी, जो सीधे तौर पर ओवैसी और मदनी जैसे नेताओं को जुमे की हिंसा के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं, इनके आरोपों पर दूसरे पक्ष का जवाब आना बाकी है। लेकिन सवाल बेहद गंभीर है कि संविधान से चलने वाले देश में सर तन से जुदा करने जैसी धमकी क्यों? इसे लेकर हमने देश से विदेश तक उन लोगों से बात की जिनका जितना यकीन मजहबी किताबों में है उतना ही भरोसा भारत के संविधान पर भी। उन लोगों की बातें आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की वो तकरीर सुनिए जो उन्होंने इसी महीने की 7 तारीख को महाराष्ट्र के लातूर में। सब लोग आकर बोलेंगे ओवैसी भड़का भाषण देता है, ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है, अरे मैं जो कुछ कह रहा हूं अभी और कहूंगा उसमें बताओ उसमें क्या सच्चाई है या झूठ है मुझे बताओ। तुम सिर्फ सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो, तुम मुझसे नफरत इसलिए करते हो कि तुम नहीं चाहते कि भारत का मुसलमान एक सियासी कुव्वत बन जाए, तुम मुझसे नफरत इसलिए करते हो कि तुम नहीं चाहते कि गरीब मुसलमान को इंसाफ मिले, तुम मुझको गालियां इसलिए देते हो ताकि तुम नहीं चाहते कि मुसलमान पढ़ लिख कर उसके मुंह में जबान आ जाए और वो अपने इंसाफ के लिए खड़ा हो जाए, तुम मेरे जिस्म पर गोलियां इसलिए चलाई तुमने ताकि तुम नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं और गरीब और मजलूमों की दास्तान को इंसाफ को बयान करूं। मगर सुन लो गोली मारने वालों, सुन लो मेरे दुश्मनों, मैं मरने के लिए तैयार हूं। विदेश से वकालत की पढ़ाई करने वाले, अपनी दलीलों से विरोधियों की बोलती बंद कर देने वाले, हैदराबाद से लगातार 4 बार के सांसद ओवैसी जैसी शख्सियत जब मरने और मारने जैसी बात करेगा तो उन पर आंख मूंद कर यकीन करने वालों पर कैसा असर होगा अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अब आपको जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी की तकरीर भी सुनाते हैं जो उन्होंने बीते मई के महीने में दी थी। सलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। भेजना नहीं है किसी को, भेजना नहीं है किसी को, क्योंकि वो जरा जरा सी बात पे कहते हैं ना पाकिस्तान चले जाओ। भैया तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट किया है उसे पाकिस्तान जाने के लिए, इसलिए हम नहीं जाएंगे, जिसको भेजने का शौक है वो चला जाए। ये उस नेता के अल्फाज हैं जिन्हें सिर्फ मुसलमान ही नहीं तमाम हिंदू भी बड़े गौर से सुनते हैं, जिनकी पहचान देश के बड़े विद्वान और बुद्धिजीवी के तौर पर। अगर वो भी संविधान की बजाय शरिया को तरजीह देंगे तो जरा सोचिए नतीजा क्या होगा। अब आपको मुस्लिम धर्म गुरु और राजनेता मौलाना तौकीर रजा की ताजा तकरीर भी सुनाते हैं। तो मुसलमानों का ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, मुसलमानों के बच्चों पर गोलियां चलाई जा रही है, मुसलमानों का सताने का काम किया जा रहा है, मुसलमानों को जेल में डालने का काम किया जा रहा है, लेकिन उस एक को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। आज कलयुग का धृत राष्ट्र नरेंद्र मोदी जब तक इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ आवाज नहीं खोलेंगे तब तक हिंदुस्तान का माहौल ठीक नहीं किया जा सकता, और हम चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर हमारे मुल्क का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। हम अपने मुल्क के लिए जान देने का जज्बा रखते हैं, लेकिन रसूल आजम की शान पर अगर गुस्ताखी की जाएगी तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसे भड़काऊ और उकसाऊ बयान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? यही वजह है कि मौलाना सुहैब कासमी जैसे मुस्लिम धर्म गुरु और नेता सड़कों पर सर तन से जुदा जैसी नारेबाजी और उपद्रव के लिए ओवैसी मदनी और तौकीर जैसे लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। भारत जो एक पंथ निरपेक्ष देश है जहां धर्म कोई भी, हर जुबान पर वासुदेव कुटुंबकम का मंत्र गूंजता है, जहां दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है, वहां बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बिना पर
कुछ मुट्ठी भर लोग देश की छवि दागदार करने पर क्यों आमादा? इसके पीछे की मंशा क्या है? इसे लेकर पाकिस्तानी मूल के कनाडाई लेखक तारिक फतेह का क्या कहना है, आपको वो सुनवाते हैं। जो क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया के हैं MBS, उन्होंने कहा कि 200 साल बाद प्रॉफिट के की वफात के बाद जो बातें हुई हैं, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं कि दे आर द ट्रुथ? नो, ये वेपन था उन खलीफाओं का, खासतौर पे जो उमैयद डमास्कस में बैठे, जिन्होंने इमाम हुसैन वगैरह की भी प्रॉफिट की फैमिली का कत्लेआम किया और हिंदुस्तान पे भी हमला किया। ये उनके बनाए हुए असूल हैं कि, और इसमें था क्या कि आप किसी पे ये इल्ज़ाम लगा दीजिए कि इन्होंने प्रॉफिट के अगेंस्ट कुछ बोला है, एक विटनेस आएगा और उसकी सजा जो है गर्दन काट दी जाए। इसका कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही इसका कोई हदीस से है। दिस इज मैन मेड लॉज बाय सम ऑफ द मोस्ट ऑब्नॉक्शियस रूलर्स ऑफ इस्लाम। एक विवादित बयान जिस पर पहले ही माफी मांगी जा चुकी है, कानूनी कार्रवाई चल रही है, उस बयान का इस्तेमाल कर सरतन से जुदा करने की भड़काऊ और बेखौफ तकरीर क्यों दी जा रही है, इसे हमने देश के सीनियर वकील रिजवान अहमद से भी समझने की कोशिश की। गुस्ताख रसूल की एक सजा सरतन से जुदा, बोलने वाले नारेबाजों को एक संदेश है, एक पैगाम है कि ये नारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कारगर हैं, ना कि भारत में जो पूर्णतः एक संवैधानिक देश है और संविधान और कानून से चलता है। यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर ओएसी जो एक लॉ मेकर हैं, वो खड़े होकर बोलते हैं मैं मरने को तैयार हूँ, क्या तुम मरने को तैयार हो? ये भाषा अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट, इस्लामिक मुस्लिम कंट्रीज़ में शोभा देती है, ना कि भारत में। भारत का मुसलमान इस बात की गांठ बांध ले कि ये देश संविधान से चलता आया है और क़यामत तक संविधान से ही चलेगा। यहाँ पर शरीयत जैसी भाषा या शरीयत जैसे कानून की बात करना बेईमानी है, देश के खिलाफ मुखालफत है। अगर किसी को मुगालता है कि भारत संविधान से नहीं किसी धर्म की किताब से चलेगा, उन्हें सुप्रीम कोर्ट की वकील सुबोही खान की बातों को भी बड़े गौर से सुनना चाहिए, जो एक तरफ आपत्तिजनक बयान देने की आरोपी नुपुर शर्मा पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की वकालत करती है, तो दूसरी तरफ रसूल से गुस्ताखी करने का आरोप इस्लामिक मुल्कों पर लगाती है। ये हमारा देश संविधान से चलता है, शरिया से नहीं। किसी के आराध्य को अपमानित करना या किसी की रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए हमारी भारतीय दंड संहिता में कुछ धाराएं हैं। अगर जांच के उपरांत पाया जाएगा कि नुपुर शर्मा उसमें संलिप्त पाई जाती हैं, तो उनको उसी के हिसाब से सजा दी जाएगी। सर तन से जुदा भारत में नहीं किया जाता है, लेकिन उस पर जाने से पहले हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि गुस्ताखे रसूल किया किसने? नुपुर ने, जिन्होंने केवल उन हदीसों में पढ़ के दोहराया जिन हदीसों में हमारे प्यारे नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अपमानजनक बातें लिखी हैं। वो हदीस भारत ने नहीं लिखी हैं, वो हदीस इन इस्लामिक देशों ने ही लिखी हैं। तो वही जो कह रही वो कितना सही है और कितना गलत, ये सच की कसौटी पर कितना खरा है, मुकम्मल जानकारी धार्मिक विद्वान दे रहे हैं। लेकिन 10 जून को झारखंड की राजधानी रांची को जलाने की जो कोशिश हो, वो जितनी शर्मनाक है उतनी ही खौफनाक, क्योंकि यहाँ कुछ मिनटों में घर की छतों से पत्थरों की इतनी बारिश हुई कि मजबूर होकर पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। मारो, मारो, मारो। इस दौरान लोगों की जान चली गई, बावजूद इसके गुरिलावार की तरह पत्थरों से हमला होता रहा। सारी दुकान तोड़ दी। रांची की तरह ही यूपी के सहारनपुर में भी पथराव हुआ, धार्मिक नारेबाजी। परेशानी की बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों के हाथ में किताब और कंप्यूटर की जगह पत्थर थमा दिए। सारी दुकानें तोड़ दी है, देखो सारा माल उठा रहे हैं, जबरन दुकानों के अंदर घुस रहे हैं। सहारनपुर की गली गली में उपद्रवियों ने उत्पात मचाया, पत्थरबाजी से पुलिस वाले समेत कई लोग जख्मी हो। देखो कवर उठा लिए उसके, ओए ये देखो दुकान के तोड़ रहे हैं। सहारनपुर के मास्टरमाइंड पर पुलिसिया एक्शन जारी है, लेकिन सवाल ये है कि नौजवानों को, बच्चों को संविधान के बजाय शरिया का पाठ कौन पढ़ा रहा है?
वो कौन है, वो वजह क्या है जिसके झांसे में आकर ये भीड़ जुमे की रोज गुमराह हो जाती है। शुक्रवार को जो हाथ चंद पलों पहले इबादत के लिए उठे थे, उन्हीं हाथों ने पत्थर उठा लिए। जिस जुबान से दुआ पढ़ी जा रही थी, उसी जुबान से नफरती नारे निकलने लगे। प्रयागराज की सड़कों और पगडंडियां भी पत्थरों से पट गईं। पुलिस प्रयागराज के साजिशकर्ताओं पर भी शिकंजा कसते में जुटी। साजिश के तार AIMIM से जुड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन ओवैसी साहब की पार्टी अपने नेताओं के हिंसा में शामिल होने से साफ इनकार कर रही है। कहा तो ये भी जाता है कि हिंसक प्रदर्शन करने वालों में देश विरोधी एजेंडेबाज भी शामिल थे, जिन्होंने माहौल खराब करने के लिए नाबालिगों को ढाल बनाने से भी परहेज नहीं किया। यही वजह है कि मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नाज़नीन अंसारी भड़काने वालों को अपमान के बदले अपमान की तकरीर से बाज आने की नसीहत दे रही है। ये सरासर अपमान के बदले सम्मान प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये और ज़्यादा अपमानित हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये बदले की भावना के साथ सड़कों पर उतरे हैं, मौलाना ने जिस तरह से भड़काने का बयान दिया है कि आप सर पे कफन बांध लीजिए, बेचारा मुसलमान है, डरा हुआ मुसलमान है, ये कह करके दूसरे देशों से, दूसरे मुस्लिम देशों से मदद मांगने की गुहार लगाई है। तो आप देख लीजिए, बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जिस तरह से मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, क्या उसके लिए कोई आवाज़ उठाता है? क्या कोई मुसलमान उसके लिए आवाज़ उठाता है? जिस तरह से इन्होंने हरकत की वो बहुत ही शर्मसार है, उससे पैगम्बर मोहम्मद का सम्मान बढ़ता नहीं, सम्मान बल्कि घटा। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नजमा परवीन भी मानती हैं कि जुमे के रोज जो कुछ हुआ वो संयोग नहीं बल्कि मजहब के नाम पर देश को बांटने की साजिश का प्रयोग था। इस्लाम इसकी कतई इजाजत नहीं देता है कि आप जाकर के जुमे, वो भी नमाज के बाद, आप जाकर के दंगे फसाद करें और बिला वजह के दंगे को भड़काएं, क्योंकि इस्लाम एकता, विश्वास और भाईचारे की मिसाल कायम करने वाला है। और मोहम्मद साहब ने बताया था कि हम जो भी करें, जिस शहर में, जिस देश में रहें, वहाँ पर अमन अमान बना करके रखें और उस देश को ही अपना माने। ऐसे में ये सारे लोग जो दंगे फसाद कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति के तहत कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम बंटवारा हो करके रहे। हर धर्म शांति का ही संदेश देता है, ऐसे में भारत की आबो हवा में अशांति के बीज बोने वालों की पहचान और पर्दाफाश बेहद जरूरी है, ताकि फिर किसी जुमे को 10 जून जैसी तस्वीर दोहराई न जाए, फिर कभी पत्थर और गोली चलाने की नौबत ना आए, फिर कभी सर तन से जुदा के नारे सुनाई न दे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।